बस्तर में पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया है। बता दें आपको कि सितंबर 2022 में आमाबल निवासी एक बैंक ग्राहक ने एक चेकबुक के लिए बैंक के कस्टमर केयर पर रिक्वेस्ट दी थी। कुछ दिन बाद उसे फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि का कॉल आया, जिसमें उसे एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐप डाउनलोड करने के बाद ग्राहक के खाते से 2,45,000 रुपए कट गए। वो शिकायत के बाद पुलिस ने अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के लोकेशन बिहार में पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बस्तर से ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 साइबर ठगों को बिहार से गिरफ्तार किया है। सितंबर में बैंक ग्राहक से ठगी हुई थी और इसके बाद इस मामले की शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई हुई। लगभग 2,45,000 रुपए ग्राहक के बैंक खाते से गायब हो गए। प्रकरण थाना भानपुरी से संबंधित है। इस पूरे प्रकरण में प्रार्थी ने थाना भानपुरी में सितंबर महीने में एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक चेकबुक इशू कराने के नाम से SBI के कस्टमर केयर बनकर ठगों ने उनसे एनी डेस्क एक ऐप डाउनलोड करवाया था और उस ऐप के माध्यम से 2,50,000 रुपए की ठगी उनके अकाउंट से हो गई थी। इस पूरे प्रकरण पे बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार में मुंगेर, समस्तीपुर और शेखपुरा जिलों से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है।